मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में करेंगे कोरोना की समीक्षा। कोविड 19 कोर ग्रुप के सभी मंत्री और आला अफसर रहेंगे मौजूद। अनलॉक पर होगा मंथन। शाम को प्रदेशवासियों से करेंगे संवाद। कांग्रेस लगातार भय और भ्रम की राजनीति कर रही। भोपाल में बोले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कहा कमलनाथ पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा। प्रदेश को अब अनलॉक करने की है तैयारी। भोपाल में बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कहा भोपाल में इसी को देखते हुए बढ़ाई है सख्ती, वार्डों का दौरा कर जानी समस्या। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा में तट से टकराया। बालासोर के दक्षिण में हुआ लैंडफॉल। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। और भोपाल के कलिया साउथ डैम में मगरमच्छ के शिकार का डराने वाला वीडियो वायरल। राजधानी वासियों के लिए चेतावनी, डैम पर घूमने के दौरान कभी भी बन सकते हैं मगरमच्छ का शिकार। नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपेश जैन। चलिए सबसे पहले एक नजर 4 बड़ी खबरों पर डालते हैं। किन किन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। बात होगी कमलनाथ के खिलाफ दर्ज केस की, जिस पर गृहमंत्री ने जो संकेत दिए ऐसा लग रहा है कि ये जो राजनीतिक अदावत है ये चलती रहेगी। दूसरी खबर में बात करेंगे कोरोना पर कमेटियां बनाई गई हैं और किस तरीके से कमेटियां काम करेंगी, इस पर बात होगी। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे मानवता शर्मसार हुई है रीवा में, जहां पर फिर एक बेटे को अपनी मां का शव बाइक पर ले जाना पड़ा। और चौथी खबर में बात करेंगे उन लोगों की जो कोरोना काल में निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार आगे उनको जब संविदा नौकरी वो करेंगे तो उसमें उन्हें फायदा देने वाली है। चलिए बात करते पहली बड़ी खबर की। तो कांग्रेस लगातार भय और भ्रम की राजनीति कर रही है। भोपाल में बात कही गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि अपनी अनर्गल बयानबाजी से उन्होंने गलत आंकड़े पेश कर सरकार की और प्रदेश की छवि खराब की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विधायकों को आग लगाने का निर्देश दिया था, जो कि इसी धारा के तहत उन पर केस दर्ज किया गया। तरीके से संकेत दिए गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि कमलनाथ के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो वापस नहीं होगा। लहजे को रूट न करें, झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आप रोज ट्वीट कर रहे हो, रोज ट्वीट में नई बातें करते हो, मेरी आवाज, हम आपकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया, इसका जवाब दो कि वो आपने उकसाया या नहीं। अगर आप ना करोगे तो नरोत्तम मिश्रा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिपिंग मीडिया के सामने रखेगा, ये बताएगा कि आपने आग लगाने का कहा था इस प्रदेश के अंदर। और ऐसा एक विधायक को अथवा नेता प्रतिपक्ष जो राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उसे नहीं कहना चाहिए। कमलनाथ जी, आपने गलती की, आपने भ्रम फैलाया, भय फैलाया, आपने आंकड़े 1 लाख मौतों के बता के गलती की है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं जिनसे हम इस पूरे मामले को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं भानु चौबे जी और रवि अवस्थी जी, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहला कमेंट भानु जी आपसे, ये जो चल रहा है जिस तरीके से कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद ये सियासी नूरा कुश्ती रहेगी, लेकिन आज गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा कि आपने आग लगाने की बात कही थी और ये तमाम बातें, कैसे देखते हैं ये सियासी अदावत आखिर कहां तक जाएगी और क्यों ये सब कुछ चल रहा है? भानु जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चल, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रवि जी हमारे साथ क्या जुड़े हुए हैं? चल, लगता है दोनों से हमारा संपर्क नहीं हो पाता होगा। फिर आपको सुनवाते हैं कि गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज किस अंदाज में कमलनाथ पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। लहजे को रूट न करें, झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं,
आप रोज ट्वीट कर रहे हो, रोज ट्वीट में नई बातें करते हो, मेरी आवाज, हम आपकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया, इसका जवाब दो कि वो आपने उकसाया या नहीं। अगर आप ना करोगे तो नरोत्तम मिश्रा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिपिंग मीडिया के सामने रखेगा, ये बताएगा कि आपने आग लगाने का कहा था इस प्रदेश के अंदर। और ऐसा एक विधायक को अथवा नेता प्रतिपक्ष जो राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उसे नहीं कहना चाहिए। कमलनाथ जी, आपने गलती की, आपने भ्रम फैलाया, भय फैलाया, आपने आंकड़े 1 लाख मौतों के बता के गलती की है। चलिए, तुम्हारे साथ भानु चौबे जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। भानु जी, सुना आपने पूरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद सियासी नूरा कुश्ती भर है, लेकिन आज जिस अंदाज में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपने गलत किया, आपने गलती की झूठे आंकड़े देकर के, और आपने आग लगाने की जो बात कही अपने विधायकों से कि आग लगा दो, इन तमाम मामलों को लेकर ये केस चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है कि अब जो है समझौते या सुलह के मूड में नहीं है सरकार, कैसे देखते हैं आप इस सियासी अदावत को? जी भानु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भानु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीपेश जी, आपकी आवाज आ जी रही जी है। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर, ये सियासी अदावत है या कोई ड्रामा है पॉलिटिकल, या फिर कुछ और मामला है? देखिए मैं दीपेश जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सियासी ड्रामा ही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से मैं कमलनाथ जी के बयान सामने आया, उसके बाद सरकार जो है आक्रामक हुई, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ जी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार ने भी उनको साथ दिया है शायद उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके, क्योंकि इससे इसके दूसरे एक पहलू ये भी सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रकरण दर्ज हुआ है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है संबित पात्रा के खिलाफ, तो उसका काउंटर भी है एक तरह से ये इनके खिलाफ, यहाँ कमलनाथ जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होना, तो निश्चित तौर पर ये एक सियासत ही है और इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रकरण दर्ज हुआ है इंडियन वेरियंट कहे जाने पर, तो उसके बाद दूसरे दिन ही देखिए आप मुख्यमंत्री का बयान जो है वो बदल गया, वो केवल आग लगने वाले मामले में जो है इन पर उन्होंने उस पर तंज कसा है, और उसके बाद सोनिया गांधी से वो पूछा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो ये पूरा सियासत ही चल रही है। अभी नरोत्तम जी का भी जो बयान सामने आया वो भी इसी तरह का एक बयान है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का क्या स्टैंड देख रहे हैं आप आगे जाकर के? क्योंकि एक ऐसा भी समय था जब अभी जिस दिन FIR दर्ज हुई थी कांग्रेस के विधायक कहने लगे कि हम पूरे थाने भर देंगे प्रदेश की, गिरफ्तारी दे दे करके, तमाम चीजें, तो कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दीपेश जी, कांग्रेस में भी जो जुगलबंदी विपक्ष और सत्ता पक्ष की चल रही है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है लोक लेखा समिति के सभापति पद को लेकर जिस तरीके से नर्मदा प्रसाद प्रजापति को दरकिनार किया गया है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि सत्तारूढ़ दल भी नहीं चाहता था कि प्रजापति सभापति बने और विपक्ष भी नहीं चाहता था, तो दोनों किस तरीके से देखिए आप दो नाम देकर के और इससे प्रजापति के नाम से किनारा किया है कांग्रेस ने, क्योंकि वो भी जानते हैं कि चूंकि वो सदस्य नहीं है उस समिति के तो वो सभापति बन नहीं सकते हैं, लेकिन केवल एक दिल बहलाने के लिए उनका नाम जो है दिया गया है और PC शर्मा को सभापति क्यों बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं तालमेल जो पक्ष विपक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बना हुआ वो इस दरमियान भी देखने में आया। मैंने उदाहरण ये इसलिए दिया इसमें क्योंकि हालांकि ये इससे मेल नहीं खाता, लेकिन चूंकि ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से जो इनमें आपसी तालमेल बना हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आपने गलत किया और आपने इस तरह, तो या तो पुलिस प्रूव करे, और पुलिस FIR दर्ज करने के बाद आपको लगता है कि कुछ आगे कुछ एक्शन लेगी, या फिर ये मामला जो है फिर धीरे से ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
जी, मैं जो प्रखंड बाबू है वो धारा 188 में हुआ है, प्रतिबंधात्मक धारा है। दूसरा मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में प्रकरण दर्ज किया गया, हालांकि इसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन विवेक तनखा जो सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि भाई आपने जो प्रकरण दर्ज किया है तकनीकी तौर पर ही गलत है, क्योंकि आप खुद जो है आप अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात कह रहे हैं। तो जब तो मुझे लगता है कि जो भारतीय वेरियंट वाली जो बात आई है, क्योंकि कई उन्होंने जो तर्क दिए हैं कि भारत के कई अखबार, कई समाचार पत्र विदेशों में भी इसको वेरियंट को ये चीज कही जा रही है, कमलनाथ जी ने खुद अपने बयान में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तो मुझे लगता है कि जो प्रकरण दर्ज हुआ है वो नहीं वेरियंट पे अब ज्यादा जोर नहीं है बीजेपी का, अब जोर है जो आग लगा दो वाली बात उन्होंने कही थी अपने विधायक। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश जी, मैं वही कह रहा था कि अगले दिन ही जो है जब भाजपा को ये समझ में आया कि शायद प्रकरण गलत दर्ज हो गया है, तो वो बात उन्होंने जो मुद्दा जो है चेंज कर दिया है, और वो केवल जो आग लगाने वाली बात है, वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो स्वाभाविक तौर पर ये या तो प्रकरण दर्ज करके गड़बड़ी गलती कर दी गई है, या जो है वो सही मुद्दा नहीं पकड़ पाए हैं भाजपा हो या कांग्रेस, यानी जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ है। हमारे साथ भानु चौबे जी जुड़ गए हैं। भानु जी, आपको क्या लगता है?